हम मौजूद हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर बेंगलोर में, जहां सन मोबिलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई है जो लाइट और हैवी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल में रेवोल्यूशन ला सकती है। ये टेक्नोलॉजी है बैटरी स्वॉप टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया में पहली बार आई है और सन मोबिलिटी इसे पहली बार इंडिया में लेकर आई है। इस टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी ने वीरावाना के साथ करार किया है और इस टेक्नोलॉजी के तहत 5 टन से लेकर 55 तक के कमर्शियल व्हीकल को बैटरी स्वैप की सुविधा मिलेगी। ये स्वैपिंग कैसे होगी, बैटरी को कैसे अदला बदला जाएगा, स्टेशंस कितने इंस्टॉल होंगे, स्टेशंस काम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ है सन मोबिलिटी HEV के CEO अशोक अग्रवाल। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की इंडियन मार्केट में जरूरत क्यों पड़ी। जो बस का मार्केट है और ट्रक का मार्केट है, उसमें 90% जो बस ऑपरेटर और ट्रक ऑपरेटर हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं। अब वो तो इलेक्ट्रिक बस दुगनी प्राइस की अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट नहीं कर सकते, ये उनका काम नहीं भी है। तो उनके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले करेगी। हम लोग ये स्टेशन लगाएंगे, ये बैटरी प्रोवाइड करेंगे, तो हम पर किलोमीटर पे चार्ज करेंगे उनको, जैसे वो डीजल खरीदते हैं। आप एज ए सर्विस इसे प्रोवाइड करेंगे? तो हम अपनी कंपनी का हम बोलते हैं एनर्जी एज ए सर्विस और बैटरी एज ए सर्विस। सो पे एज यू गो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बैटरी इन्वेस्टमेंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यू नो रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरीज, बैटरी लाइफ, यू डोंट हैव टू वरी। एक और सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि कॉस्ट में कितना हम लोगों को मतलब अंतर। तो जैसे मैंने की बोला कि जो व्हीकल टू व्हीकल मैच हो गया है और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक विदाउट बैटरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इवन ये डीजल से सस्ता भी होगा, सस्ता होगा, राइट? क्योंकि उसमें केवल लिमिट 20 मूविंग पार्ट्स हैं, डीजल बस में 2000 मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो डीजल बस फाइनली जब वॉल्यूम्स बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रिक बस या इलेक्ट्रिक ट्रक विदाउट बैटरी से महंगी पड़ेगी, डीजल महंगा पड़ेगा। हमने ये तो जान लिया कि टेक्नोलॉजी क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी, आइए इसका एक डेमो भी देख लेते हैं। ये रोबोट मशीन काम करती है जो कि यूज्ड बैटरी को बस में से निकालती है बाहर और उसके बाद स्टेशन पे से वापस लेके जाती है। अब आप देख सकते हो कि ये जो रोबोट मशीन है ये यूज्ड बैटरी को वापस स्टेशन में लेके जा रही है, सो दैट इसको चार्ज किया जा सके। कंपनी का कहना है कि ये जो बैटरी है, जो 110 किलोवाट आवर की बैटरी है, ये फुल चार्ज होने में 40-60 मिनट्स का टाइम लेगी, लेकिन स्वैपिंग में मात्र 2-3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो आप सोच सकते हो कि काम कितना आसान होने वाला है आने वाले समय में। इस टाइम पे ये मशीन चेक कर रही है कि कौन सी बैटरी अनयूज्ड है और फुल है। अभी इसने चेक कर लिया है, अब चेक करने के बाद ये फुल रेंज वाली बैटरी को वहाँ से निकाल के दोबारा बस में इंस्टॉल करेगी, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस डन। ये पूरा रोबोटिक मशीन आपको हर एक स्टेशन पे दिखाई देगा, जहाँ भी सन मोबिलिटी के ये स्टेशंस लगे होंगे वहाँ पर ये पूरी मशीन लगी होगी, जो कि बैटरी को बस से निकालेगी और दोबारा फुल चार्ज बैटरी को बस में इस तरीके से इंस्टॉल करेगी। एक चीज़ और, ये रोबोट इस तरीके से सेंसर्स के साथ काम करता है कि अगर डायमेंशंस थोड़े भी इधर उधर हैं तो बैटरी अंदर नहीं जाएगी, और इसमें कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि मेजरमेंट्स और डायमेंशंस को एक साथ मेजर करके उसमें बैटरी को आराम से इंस्टॉल किया जा सके। तो देखा आपने कैसे मात्र 2-3 मिनट में एक फुल चार्ज बैटरी बस में लग जाती है और बस तैयार हो जाती है दोबारा चलने के लिए। ये जो बैटरी है ये सिंगल चार्ज पे 100 से 140 किलोमीटर तक की रेंज देती है। अब देखना ये होगा कि OEMs और मैन्युफैक्चरर इस टेक्नोलॉजी को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से कंपनियों की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्स मिलता है और कस्टमर के लिए कैसे बेनिफिट होगी। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।